सो गाइस देखो, इस बार जो OB42 का अपडेट आया था उसमें गाइस कुछ कैरेक्टर अच्छे कर दिए और कुछ कैरेक्टर फालतू कर दिए। सो गाइस देखो, मैं आप लोगों ने इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि अपडेट के बाद सबसे ज्यादा बेस्ट है और ये गाइस आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक में यूज कर सकते हो और एकदम लेटेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। टोटल गाइस मैं आप लोगों को 4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। तो गाइस फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 7K लाइक्स, आप लोग जरूर से करा देना। सो गाइस चलो जल्दी से हम लोग का जो फर्स्ट आप लोगों को वुकोंग लेना है। उसके साथ गाइस आप लोगों को निकिता कैरेक्टर का यूज करना है। ये कैरेक्टर का एबिलिटी भी चेंज हो चुका है। देखो गाइस आप लोगों को ना शॉटगन का यूज करना है अगर आप लोग वुकोंग ले रहे हो तो, और शॉटगन का यूज के साथ गाइस अगर आप लोग निकिता का यूज कर रहे हो तो गाइस आप लोगों का जो रीलोड है वो फटाफट हो जाएगा। आप लोगों को M1887 यूज करना है और गाइस आप लोगों को पता ही है M1887 अच्छा खासा गन है, उसमें अगर रीलोड स्पीड जल्दी जल्दी हो जाएगा ना कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए गाइस आप लोगों को निकिता का यूज करना है। और इसका और भी एक एबिलिटी है, अगर जिस बंदे को आप लोग डैमेज दोगे वो गाइस अगर मेडिकेट कर रहा है ना तो उसको 30% HP कम होगा। मान लो कि एक मेडिकेट से उसको 100 HP मिल जाता तो उसको 100 की जगह 70 मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ गाइस आप लोगों को जोटा रखने, क्योंकि एक बंदे को नॉक करके फिनिश करने के बाद आप लोगों को 20% HP मिल जाएगा जो कि गाइस 1v4 में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट में गाइस एज यूजुअल आप लोगों को सोनिया रखना है और सोनिया तो गाइस आप लोगों को ऑल टाइम ही रखना है और सोनिया का हेल्प तो गाइस आपको पता ही है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रशर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। इसके बाद वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो भी गाइस मैं आप लोगों को रशर के लिए बता देता हूं। तो रशर के लिए मैं आप लोगों को 2 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। पहला वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड नंबर जो कैरेक्टर है तासुआ, गाइस आप लोगों को एक्टिव स्किल में तासुआ लेना है और तासुआ का हेल्थ तो गाइस आप लोगों को पता ही है, इधर से उधर गाइस आप लोग जल्दी जल्दी जा पाओगे। रश और रशिंग में भी गाइस काम आता है, फटाफट गाइस आप लोग एनिमी के सामने जाके उसको मार सकते हो। तो गाइस आप लोगों को तासुआ लेना है और उसके साथ गाइस आप लोगों को लूना कैरेक्टर लेना है, क्योंकि गाइस देखो ये आपका गन का जो रेट ऑफ फायर है वो गाइस बढ़ा देता है। तो तासुआ के साथ लूना का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बैठता है। फिर गाइस आप लोगों को लास्ट में सोनिया लेना है एज यूजुअल। फिर गाइस आप लोगों को वुल्फ्रा कैरेक्टर का यूज करना है। वुल्फ्रा से क्या होगा गाइस आप लोगों को 30% मतलब जो भी बंदा आपको हेडशॉट मारेगा ना तो हेडशॉट का 30% डैमेज गाइस आप लोगों को कम लगेगा। तो इसी वजह से गाइस आप लोगों को वुल्फ्रा रखना है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, 2 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया रशर के लिए। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग थोड़ा डिफेंसिव में खेलते हो, थोड़ा सा डिफेंस करके खेलते हो तब गाइस आप लोगों को क्या कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेना है, तब गाइस आप लोगों को दिमित्री लेना है, ठीक है। दिमित्री का अभी जो कूल डाउन टाइम है वो बढ़ा दिया है, पहले 60 सेकंड था बट अभी 90 सेकंड कर दिया है, मतलब 30 सेकंड ज्यादा कर दिया है। और अगर आप लोग दिमित्री का जो कूल डाउन टाइम है उसको घटाना चाहते हो तब गाइस आप लोग रॉकी पेट का यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास रॉकी है तब गाइस आप लोग रॉकी पेट का यूज करना। उसके साथ गाइस आप लोगों को सोनिया लेना है। फिर गाइस आप लोगों को जोसेफ कैरेक्टर लेना है। इस कैरेक्टर का जो एबिलिटी है ना ये अपडेट के बाद पूरा ही चेंज कर दिया है। गाइस आप लोगों को थोड़ा मूवमेंट स्पीड तो मिलेगा ही। उसके साथ भी गाइस क्या होगा, अगर एनिमी के पास मोको है ना तो वो गाइस जब भी आपको डैमेज देगा तो आपके ऊपर जो मोको का साइन है वो नहीं आएगा। ऊपर से गाइस कोई बंदा अगर आपके ऊपर A124 यूज किया तो गाइस आप लोगों को डैमेज तो लगेगा, 20 डैमेज तो लगेगा, बट आपका जो स्किल ब्लॉक है वो नहीं होगा। तो इसलिए जोसेफ गाइस आप लोगों को रखना है, काफी ज्यादा अच्छा कर दिया ये कैरेक्टर अपडेट के बाद। और लास्ट में गाइस आप लोगों को थीवा लेना है। गाइस दिमित्री, थीवा और सोनिया ये कैरेक्टर तो भाई एकदम बवाल कैरेक्टर है, मतलब खुद ब खुद आप लोग रिवाइव भी हो सकते हो और अपने टीममेट को भी इंस्टेंटली रिवाइव कर सकते हो थीवा का यूज से। इसके बाद गाइस देखो आज जो लास्ट नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो गाइस अगर आप लोग स्नाइपर चलाते हो या फिर गाइस थोड़ा लॉन्ग रेंज में खेलना प्रेफर करते हो ना तब गाइस आप लोगों को लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्लू लेना है। अब क्लू से क्या होगा गाइस आप लोगों को पूरा मैप में दिख जाएगा कि आसपास किधर एनिमी आ रहा है, तो उस हिसाब से गाइस आप लोग इजीली मार सकते हो, मतलब प्लानिंग करके मार सकते हो। आप लोगों को पूरा मैप में आ जाएगा और क्लू आपके पास है तो गाइस आप लोगों को अलग से मोको लेने का जरूरत नहीं है। उसके साथ गाइस आप लोगों को रैफेल कैरेक्टर लेना है, क्योंकि एक बंदे को मारोगे वो फटाफट फिनिश हो जाएगा। फिर गाइस आप लोगों को मारो कैरेक्टर लेना है। फिर गाइस देखो क्या होता है ना, मारो अगर आपके पास है तो लॉन्ग रेंज में डैमेज ज्यादा आएगा, तो स्नाइपर या फिर कोई भी लॉन्ग रेंज गन में ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ गाइस आप लोगों को नायरी कैरेक्टर रखना है। गाइस अगर आप लोग एक ग्लू वॉल मारे तो कोई भी एनिमी गाइस अगर आपके ग्लू वॉल को मारा तो गाइस आप लोगों को डैमेज ज्यादा लगेगा, कोई भी आपका ग्लू वॉल तोड़ ही नहीं पाएगा, इजीली तोड़ ही नहीं पाएगा। तो काफी ज्यादा हेल्प होता है नायरी कैरेक्टर, स्पेशली अगर आप लोग ज्यादा लॉन्ग रेंज में खेलो। लॉन्ग रेंज में एक ग्लू वॉल लगा दो और कोई बंदा आपका ग्लू वॉल ही नहीं तोड़ पाएगा और आप लोग कवर टू कवर लेवल से इजीली मार सकते हो एनिमी को। तो इसी वजह से गाइस आप लोगों को नायरी रखना है, कोई भी आपका ग्लू वॉल ही तोड़ नहीं पाएगा और कोई अगर आपके ग्लू वॉल को डैमेज दिया तो गाइस आपका HP ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सो यही कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था जो कि गाइस आप लोग यूज करने आप लोग अपने रोल के हिसाब से ले सकते हो। और बाय द वे गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोग अपना मूवमेंट स्पीड एकदम गॉड लेवल जैसा करना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को कुछ AWM के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।